भाई बहन के प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन इस बार कोरोना महामारी के बीच आ रहा है। होशंगाबाद जिले में 1 से 4 अगस्त तक लॉकडाउन का असर भाई बहनों का यह त्योहार पर भी पड़ रहा है। सोमवार को रक्षाबंधन है, लेकिन कोरोना संक्रमण व लॉकडाउन के कारण आवागमन पूरी तरह से बंद रहने वाला है। ऐसे में इस बार ज्यादातर बहन अपने भाइयों की कलाई पर राखी नहीं बांध पाएगी। इस बात का भाई बहन दोनों के मन में मलाल है कि वे इस बार रक्षाबंधन पर मिल नहीं पाएंगे। खासकर कोरोना से जारी जंग में फ्रंट लाइन में खड़े मध्य प्रदेश पुलिस के जवान एवं राजस्व विभाग के अधिकारी छुट्टी नहीं मिलने की वजह से भी बहन के पास नहीं जा पा रहे। हालांकि हर साल ड्यूटी के कारण अधिकारियों व कर्मचारियों के त्योहार अपने मुख्यालय पर ही मनते हैं, जहां SDM डीएन सिंह का कहना है कि हमेशा ही राखी ऐसी ही होती है। ड्यूटी के कारण अक्सर राखी पर बाहर जाना नहीं हो पाता है, बहनें राखी भेज देती है जिसके बंधवा लेते हैं। तो वही SDOP सौम्या अग्रवाल का कहना है कि जब से पुलिस में आए हैं, तब से राखी का त्योहार ठीक से नहीं मना पाए हैं। तहसीलदार दिनेश सांवले का कहना है, राजस्व की नौकरी में आने के बाद से राखी का अवसर मनाने के कम ही अवसर आए हैं, लेकिन इस दौरान बचपन की यादें ताजे हो जाती है। लोगों को खुशहाली से राखी मनाते देख ही खुश हो जाते हैं। थाना प्रभारी संजय चौकसे का कहना है कि हमेशा थाने पर ही हमारा रक्षाबंधन मनाते हैं, सभी लोग अच्छे से रक्षाबंधन मनाएं, यही हमारे लिए रक्षाबंधन का त्योहार है। नायब तहसीलदार नीलेश पटेल का कहना है कि घर यहां से 700 किलोमीटर दूर है, इसके कारण राखी का पर्व परिवार के साथ मनाने का मौका कम ही मिल पाता है। नायब तहसीलदार महिमा मिश्रा का कहना है, हर साल तो भैया के साथ ही राखी मनाई है, लेकिन कोरोना के कारण इस साल भैया बाहर है और मैं यहां। सभी को सुरक्षित तरीके से राखी मनाते देख इस वर्ष की राखी मन जाएगी। महिला बाल विकास अधिकारी रामकुमार सोनी का कहना है कि राखी के पर्व पर बहनों के पास नहीं जा पाएंगे, यही कोरोना ड्यूटी करते हुए ही राखी का पर्व मनाएंगे। सर, कोविड के समय आप लोग इस बार राखी कैसी रखने वाली है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कोविड-19 के बारे में मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि सभी लोग घरों में रहें, सुरक्षित रहें और घर में रहकर ही रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएं। ये मैं एक संदेश देना चाहता हूँ। जहाँ तक आपने मुझसे पूछा है कि आपका रक्षाबंधन का त्यौहार कैसा, कोविड के कारण कैसा रहेगा, इस संबंध में मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग जो है सामान्यतः जितने भी ये छुट्टियाँ होती हैं और ये त्यौहार होते हैं, इसी प्रकार रक्षाबंधन भी एक बड़ा त्यौहार है, तो रक्षाबंधन में भी हम लोग घर में रह करके ही किसी तरह से बहनों से बात करके, फोन पर बात करके, उनकी ओर से जो धागा रहता है उसको कलाई में बांध कर मना लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं। हमारी राखी जो है बस अगले साधारण दिन जैसी रहेगी, जैसे रोज रह रहा है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि राखी पे क्योंकि कोरोना चल रहा है तो जनता के लोग भी अपने अपने घर में ही रहें, सुरक्षित रहें। इस बार टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें, ज़्यादा मूवमेंट ना करें। और क्योंकि राखी पे यही रहता है, जिसका मेन मकसद यही है कि सबकी सुरक्षा करना, भाई बहन की सुरक्षा का वादा करता है, तो सबकी सुरक्षा यही इसी में है कि वो अपने अपने घर पे ही रह के उसे सेलिब्रेट करें। सर, कोविड के चलते इतना जो तो राजस्व की नौकरी में आने के बाद में ऐसा प्रत्यक्ष रूप से राखी भाई बहन का जो त्यौहार है उसमें मनाने के कम अवसर आए। कभी कभी ये रहा कि बहन नहीं आ पाई या हम नहीं जा पाए जॉब की वजह से, तो इस दौरान फिर पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है बचपन की कि हाँ, जब जॉब में नहीं थे किस प्रकार से बड़ा एक अच्छा वातावरण था। फिर भी चूंकि ये भावनात्मक रिश्ता होता है और ये जो त्यौहार है वो याद दिलाता है इसमें, लेकिन ये बड़ी खुशी होती है हम लोग जो विविध त्यौहारों पर जब ड्यूटी करते हैं और अन्य लोग जो त्यौहार मनाते हैं तो उनको देख के खुश हो लेते हैं कि चलिए भाई थोड़ा सा ड्यूटी कर लिया है, बाकी अमन चैन है, लोग अच्छे से त्यौहार मना रहे हैं। और स्पेशली अभी ये कोविड के दौरान तो बेहद सतर्कता ज़रूरी, हम लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, एक लोगों से अपील कर रहे हैं कि घर में रहे, ये विश्वव्यापी महामारी से बचाव ज़्यादा महत्वपूर्ण है। त्यौहार तो आएंगे, कल भी आने वाले समय में भविष्य में मनाएंगे त्यौहार,
लेकिन सभी लोग अपना एहतियात बरते, स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद। कोरोना के चलते इस बार राखी कैसी लगी? देखिए, हमेशा थाने पे ही हमारा रक्षाबंधन बनता है और हमारा प्रयास रहता है कि सामाजिक लोग, सामाजिक बंधु अच्छे से अपना रक्षाबंधन अपने घर पे मना लें, आम लोग अपना रक्षाबंधन घर पे अच्छे से मना लें। सबसे बड़ा रक्षाबंधन का त्यौहार हमारे लिए यही है। और बाकी स्थानीय स्तर पे भी कभी कभी बहनें थाने पर जाती हैं, हम लोगों को राखी बांध देती हैं, तो हमारे लिए तो वही बहनें हैं। और बाकी सभी लोगों से ये निवेदन है, अपील है पुलिस प्रशासन की ओर से कि बहनें अपने भाई से स्वयं की रक्षा का, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का, बाहर निकलते समय मास्क का और सैनिटाइजर उपयोग करने का बिल्कुल वचन ले लें। तो सबसे बड़ा रक्षाबंधन का जो हमारा पर्व है उसका उद्देश्य सार्थक हो जाएगा। सर, कोरोना में आपकी राखी कैसी? वैसे तो हर साल ही हम लोग राखी मुख्यालय पे रहकर ही कानून व्यवस्था देखते हुए अपने स्वयं के साथ मनाते हैं, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना के कारण विशेष परिस्थितियां हैं और चूंकि 4 दिन का लॉकडाउन है, इस कारण से मुख्यालय पर रह करके ही और परिवार के साथ जो भी हैं उनके साथ राखी मनाने का प्रयास करेंगे। हम ये यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि हम चूंकि अपने घर पे, हमारे यहाँ से 700 किलोमीटर दूर घर है, आप अपने घरों पर रहें। यहाँ के सभी भाई बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने घरों में रहें, अपने परिवार के साथ कोरोना के जो नियम है, गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए आप खुशहाली तरीके से रक्षाबंधन मनाएं और सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी अपेक्षा है। हर साल तो भैया के साथ ही हमेशा मनाया मैंने, बट इस साल कोरोना के कारण वो भी बाहर है और मैं अभी यहाँ पे हूँ, तो जो भी यहाँ पे जैसे रहेगा, जो भी साथ में है और लोग, उनको राखी बांध के अपन राखी बनाएंगे। और बाकी मैं यहाँ की जनता से अपील करना चाहूँगी कि घर पे रहें, सुरक्षित रहें और जो जहाँ है वहीं रहें, कहीं इधर उधर जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। और शांतिपूर्वक सोशल डिस्टेंस और मास्क, इन सब का ध्यान रखते हुए आप इसका पालन करते हुए कोरोना के जो भी गाइडलाइंस है उसको मनाएं, यही सबसे निवेदन है मेरा। धन्यवाद। सर, कोविड के समय आपकी राखी कैसी रहने वाली? देखिए, राखी का त्यौहार भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है और चूँकि हमारी कोविड में ड्यूटी लगी है ना कई जगह, तो हम यहीं पर हैं मुख्यालय पर ही। और रक्षाबंधन के दिन और आज से ही हम अपनी सारी बहनों से केवल मोबाइल पे ही बात करेंगे और उनसे ये बोलेंगे भी कि जीवन रक्षा के लिए हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जो रक्षाबंधन है वो सबका अच्छा हो, सब मनाएं, लेकिन सब अपने घर में मनाएं और कहीं जाएं नहीं। और मेरी जहाँ तक राखी सवाल है, मैं अपने ड्यूटी पर रहूँगा और मैंने अभी से राखी 2 मंगवा ली है, तो एक भगवान को बांधूंगा और एक खुद ही उसको अपनी मानकर रक्षाबंधन का त्यौहार स्वयं ही मना लूँगा।